We came across a term called as electric field, which is expressed as E bar is equal to F bar upon Q, that is force per unit charge, which is later on expressed as Q upon 4 pi epsilon 0 R square AR cap. Then we applied the expression and the understanding. We applied the expression and the understanding to two different conditions. First condition was electric field due to infinite line charge, and second condition, which was assigned as homework, E bar due to infinite surface charge. And after doing the mathematics, we end up into expressions. E bar is equal to rho L upon 2 pi epsilon 0 R into AR cap, whereas in case of surface charge, we end up into an expression as E bar is equal to rho S upon 2 epsilon 0. Into AN cap. Okay. यहाँ पे AN cap क्या है? It is a perpendicular unit vector. Okay. Perpendicular unit vector to the surface. मतलब क्या? यहाँ पे एक थोड़ा सा clear कर देता हूँ मैं. If we have a kind of condition ki we have z axis, we have y axis, and we have x axis, x, y, z. Can I say that for x z plane, okay, for x z plane, y is perpendicular axis, therefore here in this case AN cap, the perpendicular vector to the XZ plane, will be AY cap. Okay. The perpendicular unit vector will be AY cap if and only if यहाँ पे एकदम ध्यान देख के सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे द परपेंडिकुलर वेक्टर यूनिट वेक्टर विल बी ए वाई कैप. रोहित, दिस इज सेकंड टाइम आई एम म्यूटिंग यू, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. रोहित रोहित प्लीज म्यूट योरसेल्फ. थैंक यू. यस सर, यस. तो ये ए एम कैप ए वाई कैप कब होगा? जब आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पी इज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एक्स वाई प्लेन, मतलब एक्स वाई प्लेन से आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो. व्हाट इफ योर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नाउ ऑन दिस साइड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स जेड प्लेन. तो आप इस साइड में जा रहे हो, यू आर मूविंग फ्रॉम एक्स जेड टू अनदर पॉइंट पी इन द लेफ्ट डायरेक्शन. तो इन सेकंड केस मतलब कौन सा? दिस वाज अवर फर्स्ट केस एंड दिस इज अवर सेकंड केस, वेयर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लाइज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स जेड प्लेन. इन सेकंड प्लेस केस ए एन कैप विल बी माइनस ए वाई कैप. Very important point. We have to think about the directions. Ki bhai direction kaun si side mein hai. So everyone please be with me. Agar xz se right side mein ja rahe ho aap. Right side mein ja rahe ho. So we are moving in a plus ay cap direction. But
if you are moving in left direction, means we are moving in minus ay direction. So in that case, an cap will be minus ay cap. यहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स होती है कि भाई यूनिट वेक्टर कंसिडर करते समय नेगेटिव साइन छूट जाता है एंड यू एंड अप इन टू रॉन्ग कैलकुलेशन. ओके, योर प्रोसीजर इज करेक्ट, योर कंसेप्ट इज करेक्ट, बट ओनली द प्रॉब्लम विथ दिस नेगेटिव साइन ड्यू टू डायरेक्शन, कि भाई कौन सी डायरेक्शन में आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है. तो नाउ वी डू हैव दिस फोर फॉर्मूली. फर्स्ट फॉर्मूली कूलम्स लॉ, सॉरी फॉर्मूला कूलम लॉ. देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज. एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सरफेस चार्ज. एक एक फॉर्मूले पे एक एक न्यूमेरिकल आना ही है. इफ यू हैव ऑब्जर्व ओवर हियर, यहाँ पे इनवर्स स्क्वेयर रिलेशन है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है. ओके, यहाँ पे वन अपॉन आर था. ओके, यहाँ पे वन अपॉन आर स्क्वेयर था, यहाँ पे वन अपॉन आर है. और इफ यू ऑब्जर्व ओवर हियर, देर इज नो आर ओवर हियर. नो आर मतलब क्या? डू यू रिमेम्बर आर इज नथिंग बट द डिस्टेंस इन बिटवीन द पॉइंट्स. ओके, डिस्टेंस इन बिटवीन द पॉइंट्स, वी कॉल्ड इट एज अ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आर. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू इनवर्स स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिलेटेड टू द इनवर्स ऑफ द डिस्टेंस. और सरफेस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस. मतलब क्या? अगर मैंने स्पेस में एक इनफाइनाइट सरफेस चार्ज रख दिया, तो मैं उसके 1 मिलीमीटर में भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं, या फिर 1 लाइट ईयर अवे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं, तो भी वो सेम ही आना है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट. बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे. ओके, बट वी नो दैट इनफाइनाइट सरफेस चार्ज कैन नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल. ओके, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस, फॉर डूइंग द एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, वी यूज दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सरफेस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस इन बिटवीन द टू. ओके, हर एक फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा. लास्ट टाइम आई गेव यू न्यूमेरिकल टू डू द कैलकुलेशन ऑन यूअर ओन, एंड फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क मी अबाउट द कैलकुलेशंस एज वेल. जैसे नाम नहीं याद है, हिमांशु ने पूछा था, और एक स्टूडेंट का फोन आया था मुझे, उसने भी पूछा था कि भाई कैलकुलेशन. और लास्ट टू लास्ट सेशन में व्हेन वी आर डूइंग द न्यूमेरिकल ऑन कूलम्स लॉ, न्यूमेरिकल का कैलकुलेशन भी अलग अलग आ रहा था. ओके, सो जो कैलकुलेशंस मैं कर रहा हूँ, दोज आर द करेक्ट आंसर. इफ यू आर नॉट हैविंग दोज आंसर्स, वी विल हैव सम डिफरेंट सेशन कि भाई कैलकुलेशन में कहाँ पे गलत हो रहा है, बिकॉज दैट विल बी अ काइंड ऑफ आउट ऑफ सिलेबस स्कोप. तो आई वॉन्ट एंगेज अवर दिस टाइम टू डिस्कस विद द कैलकुलेशन पार्ट. बट इफ यू वॉन्ट इट, हाउ टू डू द कैलकुलेशंस, और वाई यूअर कैलकुलेशंस आर गेटिंग रॉन्ग, और माई कैलकुलेशन माइट बी रॉन्ग, वी विल हैव सेपरेट सेशन. दैट विल बी ऑन डिमांड सेशन. वी विल सी इफ पॉसिबल, इफ यू वॉन्ट इट, वी विल अरेंज दैट वन. नाउ फॉर टूडेज सेशन, आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज गॉस लॉ. गॉस लॉ को एकदम आसान भाषा में मैं बताऊँ तो एक स्फीयर है, एक दूसरा स्फीयर है. ओके, ये दोनों भी स्फीयर है ना, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है. ओके, आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर. गॉस वॉज अ मैथमेटिशियन एज वेल एज फिजिसिस्ट, एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट. ओके, एंड व्हाट ही डिड, ही पुट पॉजिटिव चार्ज ऑन द इनर स्फीयर. दोनों भी स्फीयर क्या है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है. व्हाट ही ऑब्जर्व,
एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, अगर मैं कहूँ कि इनर स्फीयर पे 1 माइक्रोकुलम का चार्ज था, तो आउटर स्फीयर पे भी 1 माइक्रोकुलम का चार्ज है, बट वी डू हैव अपोजिट चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर. व्हाट वाज हिज ऑब्जर्वेशन? अपोजिट चार्ज. इफ टू स्फीयर्स, वन स्फीयर इज एनक्लोज इनसाइड द अदर स्फीयर एंड द टू स्फीयर्स आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, देन इफ इनर स्फीयर इज चार्ज, देन एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज बट अपोजिट इन पोलैरिटी इज डेवलप्ड ऑन द आउटर स्फीयर. ये गॉस लॉ है, ये एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग है. तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, व्हाई दिस हैपन? तो उन्होंने फिलोसॉफिकल आंसर दिया. लेटर ऑन दैट फिलोसॉफिकल आंसर हैज बीन सपोर्टेड बाय द मैथमेटिकल एनालिसिस. ओके, एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट द मैथमेटिकल एनालिसिस एज वेल एज फिजिकल एंड फिलोसॉफी टोल्ड अबाउट द गॉस लॉ. ओके, सो द सेम डायग्राम ओवर हियर. नाउ समथिंग हैज ट्रैवल्ड फ्रॉम इनर स्फीयर टू द आउटर स्फीयर, देयर फॉर दिस थिंग हैपन. ओके, सो समथिंग हैज ट्रैवल्ड. ओके, सो इनको क्या कहा फिर उन्होंने? फ्लक्स लाइन्स, लाइन्स ऑफ फोर्स. ओके, या फिर फ्लक्स लाइन्स. तो गॉस ने क्या कहा, क्या किया, एंड हाउ वॉज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप, वी विल सी. कंसिडर अ स्पीयर ऑफ रेडियस ए ऑन विच चार्ज प्लस क्यू इज डिपॉजिटेड एवरीवेयर. दिस स्पीयर इज एनक्लोज इन टू सम बिगर स्पीयर ऑफ रेडियस बी. टू स्पीयर्स आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, दैट मीन्स देर इज नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन दिस स्पीयर्स. द स्ट्रक्चर इज केप्ड एज इट इज फॉर सम टाइम. देन इट इज ऑब्जर्व दैट, क्या है लिखा, ऑब्जर्व दैट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज बट विथ अपोजिट पोलैरिटी इज डेवलप्ड ऑन द आउटर स्फीयर. दिस हैपन बिकॉज एवरी चार्ज कंटेन्स एनर्जी, एवरी चार्ज कंटेन्स एनर्जी, एंड एनर्जी लाइन्स आर रेडिएटेड आउट. दिस एनर्जी लाइन आर कैप्चर्ड बाय आउटर स्फीयर एंड देन चार्ज इज डेवलप्ड. इट इज कॉल्ड एज फैराडेज एक्सपेरिमेंट एज वेल. ओके, फैराडे का ऑब्जर्वेशन था, गॉस ने भी वही किया, फिर गॉस ने उसका मैथमेटिकल आंसर भी दिया. ओके, दीज एनर्जी लाइंस आर कॉल्ड एज फ्लक्स लाइंस. ओके, साई, ये बार बार आने वाला है. हाउ इट इज प्रोनाउंस? पी साइलेंट साई. ओके, साई. एंड डेंसिटी ऑफ फ्लक्स लाइंस इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डिनोटेड बाय डी बार. डेंसिटी है, डू रिमेंबर दैट डेंसिटी. इफ वी से दैट लाइन चार्ज डेंसिटी, मतलब क्या, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ लेंथ. सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब क्या, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टोटल सरफेस. देन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम. ओके, सो चार्ज अपॉन सम क्वांटिटी. एंड ओवर हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डिनोटेड बाय डी बार, मतलब क्या, इफ वी से दैट कंसिडर अ रेक्टेंगल एंड फ्रॉम दिस रेक्टेंगल, लेट अस नॉट ड्रॉ दिस वे, लेट अस ड्रॉ इन अ थ्री डायमेंशनल वे. टिल्टेड, थोड़ा सा टिल्टेड निकालता हूँ. इफ वी हैव अ सरफेस, ओके, एंड फ्रॉम दिस सरफेस वी हैव सम फ्लक्स लाइन्स, फील्ड लाइन्स कमिंग आउटसाइड. ओके, एंड इन दिस सरफेस लेट अस कंसिडर अ वेरी स्मॉल एरिया. ऑन दैट सरफेस लेट अस कंसिडर अ वेरी स्मॉल एरिया. लेट अस से दिस एरिया इज ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर. तो आई कैन से दैट द टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस एरिया. ओके, ये जो छोटा सा है इसमें से कितनी लाइन्स बाहर निकल रही है, दैट विल गिव मी फ्लक्स डेंसिटी. ओके, दैट विल गिव मी फ्लक्स डेंसिटी. सो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स, आई विल राइट डाउन समवेयर, नंबर ऑफ
flux lines passing through per unit area will give us flux density. जैसे आप करते हो ना पॉपुलेशन डेंसिटी, भाई 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, दैट डिफाइन्स द पॉपुलेशन डेंसिटी. तो उतने ही 1 यूनिट एरिया में कितनी फ्लक्स लाइंस पास हो रही है, फ्लक्स डेंसिटी. ओके, वन सिंपल एनालॉजी. देन अबाउट द मैथमेटिकल प्रूफ, व्हाट गॉस कंसिडर, मैथमेटिक्स है ना, तो गॉस कंसिडर कि भाई एक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वेयर वी डू हैव आर्बिट्ररी शेप. On that arbitrary shape, we do have this surface. Okay, इस सरफेस में से फ्लक्स लाइन्स बाहर निकल रही है. ओके, एंड दैट द फ्लक्स लाइन्स डेंसिटी इज इंडिकेटेड एज डी बार. आर्बिट्ररी शेप है तो आपका ये जो शेप यूज किया था छोटा सा, वो भी आई विल से डिफॉर्म्ड, इट विल बी अ काइंड ऑफ डिफॉर्म्ड शेप. सो इट विल हैव ए एन कैप, अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड विथ इट. ओके, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा. दिस इज वॉट ऑलवेज योर मैथमेटिक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विथ एन अजम्पशन. अजम्पशन नंबर वन, आर्बिट्री शेप ऑफ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंसिडर अ सरफेस एरिया ऑन दैट शेप, देन कंसिडर डी बार एज अ फ्लक्स डेंसिटी लाइन्स पासिंग थ्रू दैट स्मॉल एरिया. Also, an cap defines the normal unit vector for that small surface area, and theta defines the angle in between d bar and air bar. Sorry, an bar. Assumptions. All these are assumptions. So, what we have considered? Consider an arbitrary shape surface containing infinite electrons, which is called as cloud of electrons. Let direction of flux density d bar is as shown in figure. Consider a small differential surface area. ds bar and its direction is an cap. Let angle between d bar and an cap is theta. Okay, so we can say that d bar is nothing but total amount of flux upon surface area. So main agar kahu ki bhai psi number of lines passing through complete surface area, it is as good as d psi upon ds. Q, मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप लिखो भाई 100 डिवाइडेड बाय 1000, और यू राइट डाउन 1/10, वन एंड द सेम थिंग बिकॉज वी आर लुकिंग एट द क्वोशंट. सो कंप्लीट कैलकुलेशन और स्मॉल क्वांटिटीज कैलकुलेशन, योर डी बार विल बी सेम बिकॉज वी आर लुकिंग एट द मैथमेटिकल क्वोशंट. ओके, so rearranging the term, so d psi is equal to d bar dot ds bar, ye ds ko is side mein leke gaye, so d bar dot ds bar is equal to d psi. So we will have ki bhai agar pura psi, psi matlab kya hai, this is flux lines, number of flux lines. Okay, number of flux lines. So we will integrate d bar dot ds bar. Do remember that d upon, let us say, dt, and integration with reference to dt is always opposite to each other. If I write down what I will say, differential term on one side, okay, d psi, and if I want to get the complete term, then we will integrate this one. So integration and differential gets cancelled out with each other analogically. Oh, mathematically wo ek dusre ko cancel karte hai, but that has a kind of particular solution. I am telling this one who don't feel mathematics comfortable ki bhai integration or differentiation ek dusre ke opposite hai, and if you want to find a total quantity from the small quantity, then integrate the small quantity so that we will get the total quantity. So psi will be integration d bar dot ds bar. यहाँ पे एक नई चीज आ गई, ऐसे इंटीग्रेशन और एक सर्कल, और यहाँ पे एस लिखा है. व्हाट इट मींस, इट इंडिकेट्स दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस. ये यहाँ पे वॉल्यूम कंसिडर किया था क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का,
सो इट विल बी काइंड ऑफ क्लोज्ड सरफेस, ऐसे ओपन सरफेस नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है वो, इट हैज अ क्लोज्ड सरफेस, मे बी इट इज आर्बिट्ररी सरफेस, नो प्रॉब्लम, नो वरीज, बट इट इज अ क्लोज सरफेस. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर सरफेस हैज टू बी अ क्लोज्ड सरफेस, जस्ट लाइक अ स्फीयर, जस्ट लाइक अ बॉल, जस्ट लाइक अ ड्रम, जस्ट लाइक अ पेपर वेट, दोज ऑल आर क्लोज्ड स्फीयर, सॉरी क्लोज्ड सरफेसेस. ओके, सो योर गॉस लॉ सेज इफ डी बार इज द अमाउंट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी पासिंग थ्रू अ वेरी स्मॉल डिफरेंशियल एरिया, इफ वी इंटीग्रेट दिस क्वांटिटी, इफ वी इंटीग्रेट दिस क्वांटिटी ओवर द क्लोज्ड सरफेस. मतलब क्या कि भाई आपके पास एक क्लोज्ड सरफेस है और उसके ऊपर का छोटा सा सरफेस आपने कंसिडर किया था टीएस, इसमें से निकल रहे हैं फ्लक्स लाइंस और इसकी फ्लक्स लाइंस डेंसिटी को डी बार कैलकुलेट किया. सो माय माय क्वेश्चन इज, छोटे से सरफेस का डी बार मुझे पता है, छोटे से सरफेस का फ्लक्स डेंसिटी मुझे पता है, व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस पासिंग थ्रू क्लोज्ड सरफेस. ये मेरा सवाल है. व्हाट आई नो डी बार एज वेल एज डी एस. तो भाई अगर आपको इस सवाल का क्वेश्चन चाहिए तो डी बार डॉट डी एस बार का इंटीग्रेशन करो, दिस विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस. ओके, ये है गॉस लॉ. दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर द गॉस लॉ. ओके, देन वी आर गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस जो पिछली बार देखे थे ना, मैंने पहली स्लाइड में लिखे हैं ये वाले, ई बार ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ई बार ड्यू टू सरफेस चार्ज वगैरह वगैरह, इनका डेरिवेशन आपको पता है. लेकिन कैन वी हैव सेम फाइनल एक्सप्रेशन इफ वी यूज द गॉस लॉ? तो यस, वी कैन हैव दोज एक्सप्रेशन बाय यूजिंग द गॉस लॉ. दोज आर कॉल्ड एज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, देन कोएक्सियल केबल. ठीक है, कोएक्सियल केबल दिस इज हैविंग सम इम्प्लीकेशंस इन द टेलीफोन लाइन्स. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा या फिर ट्रांसमिशन लाइन्स में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है. ओके, देन डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट कि भाई आपके पास एक क्यूब कंसिडर करेंगे. ओके, तो इस क्यूब में से व्हाट इज द ई बार और व्हाट इज द डी बार, नॉट वी वी विल से वी विल नॉट से ई बार बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी. ऑल दीज एक्सप्रेशन विल बी ऑब्टेन बाय द गॉस लॉ विच इज नथिंग बट साई इज इक्वल टू डी बार डॉट डी एस बार. डी बार पता होगा, डी एस बार पता होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, यू विल गेट द साई. ओके, इवेंचुअली वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी द कर्ल एंड डाइवर्जेंस. ये दो टर्म्स याद है आपको, कर्ल एंड डाइवर्जेंस, यस और नो फीडबैक? कर्ल एंड डाइवर्जेंस, ये दो वर्ड्स याद है क्या आपको? मैथमेटिक्स भूल जाओ, डू यू रिमेम्बर द वर्ड्स? डाइवर्जेंस यस सर, सर वो हाफ मून के शेप में वो कर्व बनाता है सर.
सर तुमचा आवाज सर नाही येत आहे. आवाज, अरे आवाज गेले परत. आता येतो, अभी आ रहा. हो सर, ओके रिपीट ओके करा ना सर परत. ओके 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 सो यू विल हॅव अ काइंड ऑफ क्वेश्चन की भाई प्रूव गॉस लॉ फ्रॉम कुलम्स लॉ. ओके फ्रॉम कुलम्स लॉ क्या प्रूव करना है? गॉस लॉ देखते हैं. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर गॉस लॉ. ओके दिस वी वॉन्ट टू गेट दिस एक्सप्रेशन. नाउ हियर इन थेरी इन फिलोसॉफी वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई ऑलवेज कि अगर आपके पास एक स्फीयर है एंड यू हैव एनक्लोज 2 नैनोकूलम चार्ज इनसाइड दिस स्फीयर सो योर नंबर ऑफ लाइंस विल बी रिलेवेंट टू 2 नैनोकूलम. अगर 2 नैनोकूलम से आप 4 नैनोकूलम चेंज करते हो तो योर नंबर ऑफ लाइंस ऑल्सो विल चेंज. ओके आई एम नॉट सेइंग हियर कि नंबर ऑफ लाइंस आर इज इक्वल टू 4 नैनोकूलम बट नंबर ऑफ लाइंस डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज. ओके डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज. सो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. दिस इज गिवन इन दिस वे. बट वी ऑल्सो नो दैट डी बार इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 E bar. ओके ये कहाँ से आया? We are not going to see the derivation, but the understanding of the expression. D bar is flux density. Am I right? अभी मुझे बताओ अगर ये some sphere है, okay? And this sphere is a hollow sphere. You will have flux lines, electric field lines coming outside the sphere. But what if I say this sphere is filled with glass material. So we know that glass is an insulator material, is an insulator. Okay. So number of field line or flux lines coming outside the sphere will be reduced. So do remember that this D bar is always dependent on electric field intensity produced by the charges as well as the permittivity of the material. Okay, D bar is equal to epsilon E bar. And if we say that sphere is filled with air or vacuum, so here we will consider epsilon zero. Not really vacuum, but if it is filled with air, so we will call epsilon permittivity, epsilon zero, permittivity of the air material. So D bar is equal to epsilon E bar. So rearranging the equation, E bar is equal to D upon epsilon 0. Put this one here. So we have D bar here. We have D bar upon epsilon is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 R square AR cap. Rearranging the whole term because we know that epsilon 0 and epsilon 0 are going to cancel each other. So D bar is equal to Q upon 4 pi R square AR cap. But due to spherical shape surface, this was the assumption, ds bar is equal to r square sin theta d phi ar cap. Ye kaha se aaya? Aapko yaad hoga, you had this kind of geometry. ओके थोड़ा सा सिलेंड्रिकल जैसे दिख रहा है बट अज्यूम इट इज अ स्फेरिकल का पीस. ओके तो ये जो है द फ्रंट वाला सरफेस जो है, ओके यहां से स्फीयर से बाहर लाइंस निकलने वाली है. ओके सो फ्रंट सरफेस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम वेयर योर फील्ड लाइंस आर गोइंग टू कम आउटसाइड इट विल हैव द फ्रंट सरफेस will have the normal unit vector AR cap along the radial direction. मैंने starting में कहा था कि ये word बहुत important है. Along the radial direction, in the direction of the radius, parallel to the direction of the radius, or coming outside from the top surface or exterior surface. Okay? तो
वी वॉन्ट टू हैव डी एस बार का एक्सप्रेशन विच हैव ए आर कैप एज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्शन. तो वो जो मैंने स्टार्टिंग में बोले थे कि भाई ये तीन डायग्राम आप तो रट्टा मार लो भले ही अगर आपको नहीं डाइजेस्ट हो रही है, तो दिस एक्सप्रेशन केम फ्रॉम दैट डायग्राम. तो आपके पास अभी डी एस का एक्सप्रेशन है, अभी आपके पास डी बार का एक्सप्रेशन है, पुट दोज वैल्यूज इन टू दिस एक्सप्रेशन. ओके, सो साई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ, ये इतना लिखा आपका डी बार का एक्सप्रेशन और इतना लिखा आपका डी एस बार का एक्सप्रेशन. एंड डू यू रिमेम्बर दैट ए एक्स कैप डॉट ए एक्स कैप इज इक्वल टू वन, वेयर एज ए एक्स कैप क्रॉस ए एक्स कैप वॉज इक्वल टू जीरो. फ्रॉम दिस टर्म वी कैन से दैट ए आर कैप डॉट ए आर कैप विल ऑल्सो बी वन. तो ये ए आर और ए आर कैंसल नहीं हुए बट उनका प्रोडक्ट वन आया, सो दे डिसअपीयर्ड. ओके, बाद में भाई आपका जो q अपॉन फोर पाई है, ओके q अपॉन फोर पाई ये वाला टर्म जो है वो कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल दिया उसको. एंड वी गैदर्ड द सिमिलर काइंड ऑफ टर्म्स, सो साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई. Phi always varies from 0 to 2 pi and theta always vary from 0 to pi until and unless it is mentioned in the numerical. तो यहाँ पे ये 0 to pi और 0 to 2 pi दोनों भी आ गए. ओके, theta varies from 0 to pi whereas phi varies from 0 to 2 pi. ये integration solve करो and you will get an expression. What this expression tells us? The total amount of flux lines crossing the surface is equal to amount of charge enclosed inside the surface. I will write down the statement. Total number of flux lines, okay, passing through surface is equal to total amount of charge enclosed by that surface. अंग्रेजी है भाई, थोड़ा समझ के लिख लो. ओके, लिखना जरूरी है. सो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स पासिंग थ्रू द सर्फेस, मतलब एक बॉल के अंदर आपने चार्ज क्यू लिखा, इसके सरफेस के थ्रू आपकी फ्लक्स लाइंस पास होने वाली है. सो हाउ मेनी टोटल फ्लक्स लाइंस इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना है यहाँ पे क्यू. क्यू इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. जो बॉल है उसका जो सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस है उसका, उसके अंदर जितना भी चार्ज होगा उतनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस बाहर निकलेंगे. ओके, ऑन द सेम लाइन वी डू हैव फॉर द लाइन चार्ज, जहां पे आपका लाइन जो है वो जेड एक्सिस पे रखा है, लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल. ओके, एंड वी कंसिडर्ड अ सिलेंडर अराउंड इट. डू रिमेम्बर दैट व्हेनेवर थ्रू आउट द सिलेबस, whenever we are going to say, गलत लिख दिया स्पेलिंग, whenever we are going to say Gaussian surface, इतना ही आपने ध्यान में रखना है कि भाई Gaussian surface है, whether it is a spherical surface or cylindrical surface, एक ही ध्यान में रखना है, it is an imaginary surface. इमेजिनरी सरफेस क्यों इमेजिन करना है? फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस. ओके, मैथमेटिक्स के लिए वो कंसिडर करो, आपका मैथमेटिक्स आसान हो जाता है. कैसे पता चला? क्योंकि दिस मैथमेटिक्स यू आर लुकिंग एट इज अ डेवलपमेंट ऑफ 500 ईयर्स, इट इज नॉट अ डेवलपमेंट ऑफ वन वीक और टू वीक. ओके, एंड द डेरिवेशंस यू आर लुकिंग एट आर द सिंपलेस्ट डेरिवेशंस विच हैज बीन derived in this journey. Okay,
सर ये तो बहुत ही आसान डेरिवेशन है, या फिर ऐसे ही क्यों करना है, ऐसे किया या फिर वैसे किया, यस यू कैन ट्राई ऑन यूर ओन, यू आर लुकिंग एट द बेस्ट एंड इजिएस्ट डेरिवेशंस इन योर सिलेबस. ओके, यू आर गोइंग टू गो थ्रू द लाइन चार्ज डेरिवेशन एंड यू विल हैव अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन लाइक दिस, सॉरी काइंड ऑफ क्वेश्चन लाइक दिस, कि भाई obtain an expression of e bar due to infinite line charge distribution placed along the entire z-axis using Gauss law. Using Gauss law. Jab bhi aata hai using Gauss law, your first step is find the expression of d bar. Second step is find the expression of ds bar. Third step is evaluate the integration. That's it. Nothing else. Fix steps. That's all. Only expressions will get changed. And this will be for your homework, and that's all for today's session. Okay, I want to keep the annotations. Do you have any doubt? Yes or no? Someone say yes. Someone say no. Nice, sir. Nice, sir. फक्त संपवणा लेक्चर आता. Yes, sir. बर आपण एकाला प्रश्न विचारूया. तेजस. तेजस, आर यू देअर? तेजस, आर यू देअर? ऋतुजा, आर यू देअर? ऋतुजा. ऋषिकेश, आर यू देअर? ऋतुजा आहे. ऋतुजा, ऋतुजा, कोणते पॉइंट्स बघितले आज आपण? सांगा सांगा. ऐसे सरप्राइज क्वेश्चन पूछा कि भाई आप तो एकदम शांति हो जाते हो लोग. ठीक है, आई विल गिव यू दिस वन एज एन असाइनमेंट. जो मैंने टाइप किया है उसी का पीडीएफ बना के आपको फ्लोट कर दूंगा. नोट ते सर, तुमच्या कडे नोट्स वगैरे पाठवून द्या ना सर. नोट्सचा शून्य उपयोग आहे अंटिल अँड अनलेस तुम्ही जेवढं लिहिलेलं आहे ते तुमचं पाठ नसेल तर. You have to make sure that whatever you are writing down is learned by heart. Agar learning nahi ho raha hai, to then mug up by heart. Oh sir, okay. Mug up to nahi karna, samjhna sabhi sir. And it is very important. Main thoda de raha hu, kyunki we have to go step by step. Otherwise, yes. I have my notebook. उसके फोटो निकाल के मैं शेयर कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. यू विल हैव एवरीथिंग विथ यू एंड आई विल बी हैप्पी कि मैं फिर कौन से भी मोमेंट में कुछ भी पूछ सकता हूँ कि टेल मी समथिंग ऑन पेज नंबर दैट दैट. ऐसे करे क्या? जाओ दिया सर. आई विल गिव यू माय नोटबुक. यू विल कॉपी एवरीथिंग इनटू योर नोटबुक अलॉन्ग विद द पेज नंबर्स. एंड सम मोमेंट ऑफ टाइम जब भी एग्जाम लेने का मूड रहा कि भाई इस पेज पे इस स्टेप का मीनिंग बता. और मैथमेटिक्स आसान है, मतलब मैं क्या मतलब कुछ दिक्कत डिफिकल्ट वाला नहीं पूछूंगा, मुझे भी तो आना चाहिए ना. Am I right? Yes. So we will go step by step. That will avoid your confusion. Okay. हो सर. And एक 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 करके एक एक पॉइंट डाइजेस्ट करेंगे स्लोली स्लोली सो दैट. सर आणखी एक विचारायचं होतं. डेरिवेशन. हां सर, ते फीसचं विचारायचं होतं तुम्हाला. वन सेकंड, आय